हारने के बाद उनको इतना रिलैक्स है कि जो पेन था वो पेन खत्म हो चुका है, अब वो सो पाती हैं। पहले तो रात में सो भी नहीं पाती थी, हाथ हिलते नहीं थे उनके, मतलब पेट की दिक्कत थी, लीवर की थी, गोड़ों में दर्द था, कमर में दर्द था, सर्वाइकल का था। इससे जो मेंटली जैसे कोई टेंशन वगैरह है वो भी रिलैक्स मिलता है, नींद भी अच्छी आती है, पेन में भी रिलीफ मिलता है। नमस्कार, डिजिटल भूमि में मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूँ। अभी हम मौजूद हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ पर लगभग शरीर के हर प्रकार के दर्द, पेट संबंधित समस्या, स्ट्रेस को 10 मिनट की मसाज से दूर किया जाता है। जी हाँ, आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि केवल 10 मिनट की मसाज से पेट संबंधित समस्याएं, चाहे कब्ज हो, गैस हो, अल्सर हो, लीवर की समस्या हो, पेट के सभी रोगों से 3 से 5 दिन में फायदा। और उसके अलावा मानसिक तनाव, गहरी नींद आना, एडी में दर्द, घुटनों में दर्द या नस संबंधित किसी भी प्रकार की दर्द है तो उसका इलाज ये बिना किसी दवा, बिना किसी टीके के करते हैं। अभी हम खड़े हैं सैनी स्कूल वाली रोड पर, यूको बैंक के बिल्कुल सामने। तो आइए हम अंदर चलकर, अब हम अंदर चलकर देखते हैं कि इनका क्या सेटअप है, किस प्रकार से यहाँ पे मरीजों का इलाज करते हैं। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं बलवान सिंह जी, तो हम इनसे जानेंगे कि ये मशीन जो है किस प्रकार से वर्क करती है और इस पे जो मसाज किया जाता है वो शरीर में किस तरह से फायदेमंद है। तो नमस्कार बलवान जी। नमस्कार जी। तो आप थोड़ा सा दर्शकों को बताइए कि यह जो मशीन है ये क्या, किस तरीके से काम करती है और किन किन तरह के रोगों से मुक्ति दिलाती है। इसके लिए मैं थोड़ा सा अगर शरीर की डिटेल पहले बोलूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मानव शरीर या प्राणी शरीर, गाय, भैंस, गधा, घोड़ा, कुत्ता, किसी का भी हो, वो एक मेल से आता है रसायन, एक फीमेल से आता है और गर्भधारण हो जाता है जी। जैसे ही वो नाभि से जुड़ जाता है, चाहे वो गाय का हो चाहे मानव का हो, वो नाभि से रसायन लेना शुरू कर देता है अपनी यात्रा, 9 महीने 6 महीने जिसका भी जैसा है करता है। जैसे ही वो गर्भ से बाहर आता है तो अपने हरियाणवी भाषा में कहते हैं उसकी नाल काट दी, और नाल जिसको बोलते हैं, जैसे ही वो कट जाती फिर माँ के स्तन से दूध लेता है जी। वो भी एक रसायन है जो प्रकृति की देन है जी। उसके बाद जैसे ही वो स्तनों का कम हो जाता है तो प्रकृति द्वारा जो उपजाया गया रसायन है, गेहूं है, चावल है, दूध है, दूसरी और चीजें, वो रसायन के रूप में लेता है। जैसे ही बच्चा उस पद्धति पे आता है तो उसको शरीर से अपने 2 क्रियाएं शुरू होती है, एक तेजाब बनता है, कोई भी काम करता है तो उसे तेजाब बनता है, और उससे पोषक तत्वों से एल्कलाइन मीन्स ब्लड बनता है। ब्लड शरीर को जीवन धारा में जोड़ता है और तेजाब हमेशा जलाता है, जीवन को सुखाता है। शरीर चाहे गाय का हो, चाहे भैंस का हो, चाहे मानव का हो, 4 प्रकार की क्रियाओं से उसको जहर को बाहर निकालता है। श्वास द्वारा हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन बाहर छोड़ देते हैं, मलमूत्र द्वारा और पसीने द्वारा। इसीलिए संसार के सारे जीव भी एक्सरसाइज करते हैं, वो पसीने से अपना डिटॉक्स करने का काम करते हैं। मनुष्य के साथ भी यही लागू है। बॉडी में जहां टॉक्सिन फंस जाएंगे, जिस ऑर्गन्स में फंस जाएंगे, ऑर्गन काम पकड़ना बंद कर देगा। इसका सबसे पहला परिणाम पेट से स्टार्ट होता है और सोच बदलती है तो फिर मन से शुरू हो जाता है। ब्रेन और पेट दोनों में ही टॉक्सिन्स की मात्रा अधिक होने से ज्यादा बीमार होता है। योगा भी बना, प्राणायाम भी बना, एक्सरसाइज भी बनी, ये सारी की सारी चीजें बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए है। और संसार का सर्वोत्तम प्रकृति की जो देन है वो पानी है। अगर पानी हमें अच्छी मात्रा में, शुद्ध मात्रा में मिल जाए तो बॉडी डिटॉक्स अपने आप होती है, मल के द्वारा बाहर निकल जाती है, मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाती है। संसार के जीव जंतु हैं वो खाना पीना छोड़ देते हैं, पानी बहुत पीते हैं या मिट्टी खाते हैं, उसका कारण यही है कि वो डिटॉक्स करना जानते हैं। मानव की बुद्धि थोड़ी छोटी है, पशु पकड़ लेते हैं सारी चीजों को, वो जानते हैं कि मेरे पेट में गड़बड़ होगी तो कुत्ता घास खा लेगा, वो गंध को बाहर निकाल देता है। मनुष्य और साइंस और जो संस्कार बढ़े उसकी वजह से पूरा ये काम नहीं हो पा रहा। ये जो अभी आप मशीन देख रहे हो, ये मेटल हमारे ऋषि मुनि और जो विद्वान लोग थे, जो शरीर के ज्ञाता थे, उन्होंने हाथ के बना बना के लोगों की मसाज करके रोगों को दूर किया था जी। ये मान लीजिए वो लैंडलाइन फोन था, ये आईफोन है। आज टाइम नहीं है किसी के पास, बिजली से बटन दबाया मसाज कर ली, पर ये एक्यूरेसी से भी करती है। सबसे बड़ा इसमें जो कारण है वो इसके मेटल्स का है। इसमें 11 मेटल मिलते हैं, वो डिस्क्लोज तो मैं नहीं करना चाहूंगा। पर बॉडी से वो जहर खींचते हैं, बॉडी से जहर कैसे खींच पाते हैं, प्रकृति के अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल से पैरों की तरफ डिटॉक्स ज्यादा होता है, डेली होता रहता है, कंटिन्यू पृथ्वी हमें खींचे बैठी है। इसके संपर्क में आने से वो गंध को बाहर निकाल देती है। और इसमें 3 प्रकार के कलर आते हैं। पेट की समस्या में 3 प्रकार की मेन समस्याएं, लीवर की है,
इंटेस्टाइन की है, छोटी आंत बड़ी आंत इसको को, या फिर किडनी की कोई समस्या है, या पेनक्रिया की कोई समस्या है, इसमें हरा रंग, काला रंग और पीला रंग चार प्रकार के रंग निकालती है ये, वो हमें तुरंत पता लग जाता है इसको ये प्रॉब्लम है। वैसे तो मोस्टली आज साइंस इतनी तरक्की पे है, सब जानते हैं समस्या है कहाँ। तो वो जीवन की उस यात्रा में हमने तो ये कदम बढ़ाया है ताकि लोग अपने को स्वस्थ रख सके। तो आपने अभी अभी जैसे जिक्र किया कि हरा रंग, काला रंग और पीला रंग, तो हमने भी अभी बाहर एक महिला मसाज ले रही थी तो हमने देखा था काला रंग निकल रहा था। तो आप थोड़ा सा बता सकते हैं जो ये रंग निकलते हैं वो किस तरह की या किस बीमारी से थोड़ा सा मतलब किस बीमारी की तरफ इशारा करते हैं? अगर वो काला रंग निकलता है तो समझ लो उसके पैरों की ब्लॉकेज सबसे ज्यादा है। ठीक है, पेट की ब्लॉकेज तक तो बाद में जाएगा, एडी में, पैर में, या फिर डिस्क के कहीं उनको स्टिफनेस है, उसमें ब्लैक निकलेगा और बिल्कुल ग्रीस की तरह निकलेगा अगर ज्यादा है तो। जी। एडी का दर्द फर्स्ट डे बड़ा रिलीफ मिलता है, लगभग लगभग 100% भी हो जाता है, 50% तो श्योर है फर्स्ट डे पे ही। और गहरी नींद आना, दो काम तो पहले करती है वो, इसलिए ब्लैक निकलता है। अगर पेट से संबंधित, अगर आपने कभी बच्चों को देखा हो ना, वो हरे दस्त करते हैं, पीले दस्त करते हैं, वो पेट की समस्या से। ये जो टॉक्सिन्स बनते हैं ये उसको दोनों कलर में निकाल देती है। अगर आप दूसरे किसी का मरीज का इंटरव्यू लोगे, देखोगे किसी का कलर ही नहीं निकलेगा, वो ठीक है तो नहीं निकलेगा भाई, कोई कलर नहीं निकलना, अदरवाइज वो अलग अलग वेरी करती है। तो बाहर जैसे हम अभी बात कर रहे थे मरीजों से, तो किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी, किसी को डिस्क की प्रॉब्लम थी, किसी के गोड़ों में दर्द था, तो एक बार आप हमारे दर्शकों को बताइए कि ओवरऑल किस किस प्रकार के रोग जो हैं इस मशीन के जरिए ठीक होते हैं। जो बॉडी में अनबैलेंस हो गए, अनबैलेंस मतलब जिसको लोग डिस्क प्रॉब्लम बोलते हैं, सर्वाइकल की प्रॉब्लम बोलते हैं, फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं, इसमें थोड़ा सा वैद्य का भी काम रहता है। उसको बैलेंस कर दिया जाए, ब्लड अपने आप गंद को खींच ले और ये बना दे, मशीन भी ठीक कर लेती है। ये मेनली पेट से संबंधित, बीपी से संबंधित, थायराइड से, पिंडलियों में दर्द, वेन से संबंधित जितनी समस्याएं हैं उसको ये क्योर कर देती है, चाहे वो कोलेस्ट्रोल की है, चाहे थायराइड की है, वो वेन से संबंधित है। जो शोल्डर की प्रॉब्लम है, डिस्क प्रॉब्लम है, घुटनों की है, उसमें गैप आना, हड्डियों का आगे पीछे सरक जाना, अनबैलेंस हो जाना है, उसमें आप थेरेपी की मदद ले सकते हो, जो एक्सपर्ट आदमी उसकी मदद ले सकते हो, उसमें वैद्य की बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वेन से संबंधित सारे रोग ये दूर कर देती है। जी, क्योंकि जैसे हमने अभी बाहर देखा था कुछ दर्दों का भी जिक्र था कि भी आई गेस घुटने का दर्द और काफी और भी दर्द, पेट में संबंधित बीमारी कब्ज हो गई, पेट दर्द हो गई, तो थोड़ा सा किस किस प्रकार के दर्द भी ये ठीक करती है आप हमें वो भी बताइए। वेन से संबंधित जो दर्द होगा, मान लिया जैसे पेट में दर्द है, ठीक है, पेट में दर्द में फर्स्ट डे आपको 50% आराम विदाउट एनी ड्रग्स। ओके, आपके बाजू में अगर वेन से संबंधित कोई ब्लॉकेज का दर्द है, आपको 50% आराम। ओके, वेन से संबंधित सारे दर्द दूर करेगा। ठीक है, हड्डियों से संबंधित जो अनबैलेंस का सिस्टम है उसमें थेरेपी की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, उसमें मशीन इतनी सहायक नहीं होगी, सहायक है लेकिन कितना लंबा टाइम लगाएगी, वो पेशेंट थक जाएगा। पेट की और वेंस की तो 3 दिन में रिजल्ट मिलते हैं। और साथ ही आप इसके अलावा कोई दवाई वगैरह भी देते हैं या क्या रहता है? दवाई का तो यहाँ नाम ही नहीं है, हमारा तो नाम ही नहीं दवा न दर्द है, लोगों की दवाई छूट जाती है यहाँ आके तो। और हमारा तो इरादा है कि रोहतक में अब ये अच्छे प्रचार पे है, बच्चे हैं, दीपक सैनी ने किया है अभी सैनी स्कूल के सामने, वो लोगों को करवा रहे हैं, किराए पे देने का भी प्रपोजल है, गांधी कैंप में भी कथुरिया आटा की चक्की के पास लगाया है, उन लोगों के भी बड़े अच्छे रिजल्ट है। मेरे पास यहाँ पेशेंट आते हैं, मुझे नहीं लगा कि कोई पेशेंट बीमार होगा। ये बच्चा मेरे पास सीखने के लिए भी आता था, अभी बीच में पढ़ाई का है, घर में MBBS भी है, और पेशेंट भी लेके आए, ये ज्यादा अच्छे से बताएं तो ज्यादा अच्छा है, अपने मुंह मियां मिठू नहीं बनना चाहिए। और दूसरी बात, मैं इस चीज को मानता हूँ, ठीक कोई हकीम, कोई वैद्य, कोई डॉक्टर, कोई वैज्ञानिक नहीं करता इस शरीर को, क्योंकि बाजार में मिलता ही नहीं, ब्लड बाजार में है ही नहीं, ना मांस मिलता है, ये तो बॉडी बनाएगी, इसकी कृपा चाहिए, इसकी कृपा के बिना पॉसिबल ही नहीं है। दवाइयां भी हैं, ऐसा नहीं है कि दवाइयां देने से ठीक नहीं होते, हर पैथी की अपनी पद्धति है, वो ठीक कर दे, हमें किसी से कोई वो नहीं है, और ना हम ठीक कर दें, ठीक तो उसकी बॉडी की क्रिया अपने आप ऑटो करती है। जी, तो आप बताइए कि आप कैसे से इलाका परिचय? मैं अखिलेश कुमार, मैं यहाँ पे गीतांजलि कॉलोनी में रहता हूँ। ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग में आया था, एक दोस्त को दिक्कत थी साइटिका की, उसके बाद फिर अंकल के पास आया, 3 दिन में उन्होंने ठीक कर दिया था काफ़ी हद तक उसको। फिर उसके बाद मैंने अंकल जी को बोला कि मैं इसका सीखने का इच्छुक हूँ, तो ये बोले आ जाओ भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं सर कोई फीस वगैरह नहीं, बोले कोई नहीं मैं ऐसे सिखा दूंगा। तो फिर बीच में मेरे पे एग्जाम्स वगैरह थे, उसके लिए मैंने ब्रेक ले रखा था, तो अभी मार्च से मैं स्टार्ट करूंगा फिर से। जैसे भी कोई भी मेरी जान पहचान में कोई बंदा जिसको काफ़ी दिन से दिक्कत है, मैं
चार पांच मरीज लेके आया हूँ, सब के सब ऐसे मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट आया, उनको सारे ठीक हो गए। तो आप हमारे दर्शकों से शेयर कर सकते हैं कि अगर आपने ध्यान दिया तो क्या क्या परिणाम सामने आए? जैसे सोल डिस्क की है, एक आंटी जी को शुगर की दिक्कत थी, उनसे चला भी नहीं जाता, जैसे रसोई से लेकर वो कमरे तक भी नहीं जा पाती थी, घुटनों में पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था उनको। तो उनको फर्स्ट डे ही रिलीफ होता बहुत ज़्यादा, वो यहाँ से लेकर 2 किलोमीटर पैदल गई थी सेकेंड डे। और जैसे एक अंकल जी का घुटना घुटने में दिक्कत थी, वो दिल्ली से आए थे, पापा के इन्होंने वो उनको ले गया था, उनको भी बहुत हद तक आराम है अभी। जिस तरह एक जो मैं शुरुआत में ले गया था साई टीका का, एक लड़का जो बीमार था, उसके सास ससुर आए थे पीछे, वो अभी मशीन अंकल जी से खरीद के लेके गए हैं, उनको उसकी जो सासू माँ है उनको फर्स्ट डे यहीं पे आराम मिल गया था। जैसे एडी में उनको दर्द रहता था बहुत ज़्यादा, सर्वाइकल की दिक्कत थी, तो 4 दिन हो चुके आज उनको, उनके पास फोन आया था वो दोस्त के पास कि आज उनको बिल्कुल आराम है, आराम से नींद आती है, जैसे काम भी कर लेते हैं वो। 4-5 दिन का अंकल जी ने परहेज दिया था कि भाई बोझ वगैरह नहीं उठाना, आज वो यूं कह रहे थे कि भाई आज सुबह ही बात हुई थी, खेत में गए थे वो, मतलब अपना जो भी डेली रूटीन का काम वो करने लग गए भाई। तो बलवान जी, आपका हमारे दर्शकों को रोहतक या जहां से भी लोग देख पा रहे हैं उनको कोई मैसेज शरीर संबंधी? अपने शरीर को स्वस्थ रखे, जी जिस पर दिशा भी रखे, मैं तो सलाह दूंगा सबसे संसार का सर्वोत्तम साधन पानी है, पर अपने इलाके में पानी है नहीं, करें क्या। जी एल्कलाइन बनाना है पानी को तो बड़ी विधियां हैं, जो नॉर्मल विधियां हैं, जो बिल्कुल नेचर के अनुसार है, जिसमें खीरा टमाटर प्याज वगैरह मिर्च वगैरह डाल के बनाया जाता है 6 घंटे, वो विधि मैंने बाहर पोस्टर पर लिखी हुई है, अगर आप दर्शकों को दिखाना चाहो तो दिखाओ, ताकि वो ना आ पाए तो पूरा फायदा उठाएं। जी ठीक शरीर को स्वस्थ रखना जरूरी है, इस शरीर की तो कृपा चाहिए। आज समाज में बड़ा दुर्भाग्य से देखता हूँ कि शरीर के पीछे ना भाज के या ब्रेन के पीछे भाग रहे हैं, वो ब्रेन में भी डिटॉक्स होता है भाई, या भी टॉक्सिन बनते हैं, जी इसीलिए हमारी मशीन नींद पर भी काम करती है। स्वस्थ रहे लोग, किसी को फायदा लेना है, शनि स्कूल के सामने है, गांधी कैंप में, मेरे यहाँ है, आई मोस्ट वेलकम। जी तो अभी हम मौजूद हैं यहाँ पर, अब देख सकते हैं कि एक यहाँ पे महिला बैठी है जो यहाँ पे मसाज ले रही है, तो हम इनसे जानते हैं कि इनको इससे क्या फर्क पड़ा है और क्या परिणाम रहा है। जी आपका नाम? हाँ जी, मेरा नाम अनामिका है। आप कब से कर रहे हैं यहाँ पे? मैं यहाँ पे 2-3 दिन से आ रही हूँ, मेरे से पहले मेरे हस्बैंड रहते थे यहाँ पे, उनको बैक पेन था, L4 L5 प्रॉब्लम थी, उसमें काफ़ी आराम है, काफ़ी क्या बहुत ज़्यादा आराम हो चुका है हमको, और मुझे भी काफ़ी रिलैक्स मिला है इससे। तो आपको क्या प्रॉब्लम थी? मुझे थोड़ा सा घुटनों में पेन रहता था, उसमें अब रिलैक्स है। ठीक है, तो आप लगभग 2-3 दिन से कर रहे हैं? हाँ जी, पहले भी आई हूँ, अब लगातार 2-3 दिन से फिर आ रही हूँ। ठीक है, तो अभी तक आपने क्या क्या फ़र्क देखा है इससे? इससे जो मेंटली जैसे कोई टेंशन वगैरह है वो भी रिलैक्स मिलता है, नींद भी अच्छी आती है, पेन में भी रिलीफ मिलता है, काफ़ी अच्छा। थैंक यू। तो हमारे साथ यहाँ पे कुछ महिलाएं और मौजूद हैं जो यहाँ पर काफ़ी टाइम से इसकी मसाज प्रैक्टिस वगैरह कर रही हैं, तो इनसे हम जानते हैं इनको क्या दिक्कत थी और इन्हें क्या क्या परिणाम इस मसाज मशीन से मिले हैं। जी जी आपका नाम? जी अनीता जी। तो आपको क्या प्रॉब्लम थी? जी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, मतलब पेट की दिक्कत थी, लीवर की थी, गोड़ों में दर्द था, कमर में दर्द था, सर्वाइकल का था। ओके, तो आपने कितने दिन कराया मसाज वाला? मसाज वगैरह 1 महीना होगा जी आते आते, डिस्क की प्रॉब्लम थी। ठीक है, मतलब हाँ दवाई भाई बहुत ज़्यादा कम होगी, शुगर की तो लेती हूँ मैं जी। हाँ तो आपको क्या परिणाम मिले? परिणाम अच्छा मिल रहा है अभी, मतलब आपको जो दिक्कत थी उनमें कुछ आराम है पहले? हाँ हाँ पहले से बहुत ज्यादा आराम है। ठीक है, जैसे आपने बताया सर्वाइकल था, उसमें से पेन भी रहती हाँ, है, हाँ, तो हाँ। दर्द वगैरह अब कम है या बिल्कुल नहीं है? ना बिल्कुल नहीं है जी, जी सर्वाइकल का तो बिल्कुल नहीं है अब। ठीक है हाँ जी। आपका नाम? माया जी। आपको क्या प्रॉब्लम थी? मेरे जी भाई टाटा नींद नहीं आती जी, अब बढ़िया चल रही, जो नींद भी आओ जब बांटा खत्म होगा। मैं तो आप कितने दिन से कर रहे हैं? मैं तो 5 दिन होगा आज। तो मतलब आपको अच्छी नींद आती है? अच्छी नींद आती है। उसके अलावा और कुछ आपको फायदे दिखे हो इसके शरीर में? सारा फायदा है मेरे तो जी, मेरे बांटा नहीं आता। ठीक है, और नींद नहीं आती, अब नींद भी आओ जब बांटा भी नहीं आओ जी। ठीक आज बढ़िया हूँ मैं। ठीक हाँ जी, आपका नाम? कमला देवी। तो आपको क्या प्रॉब्लम है? मेरा प्रॉब्लम बेटा दोनों घुटने आता है, बैठा भी नहीं जाता उकड़ू जी, मतलब लैट्रिन पेशाब नहीं जा जाता उकड़ू बैठ कर जी, जी। और एक है संपूर्ण चीज साथ, डॉक्टर साहब दो राय है, देखो कितना फर्क लगेगा भाई, बे तो एक के मसली है बस।
अच्छा, तो आज आप पहली बार आए हैं? पहली बार आए हैं भाई, बहुत अच्छा बताओ, बहुत खूब मरीज आवे जी। हाँ, तो आप कितनी देर से यहाँ पे बैठे हैं? माड़े एक घंटा हो गया आई ने। तो आप यहाँ पे काफी सारे पेशेंट से मिले भी होंगे, तो आपको यहाँ पे क्या दिखा, कुछ सुनने को मिला हो? आड़े नू कह सारे आके भाई सही फर्क लग गया है भाई, कराओ, मतलब मेरा भी 20-21 का आराम लग गया है मसले थे। ओके, हाँ ठीक है। और करवाना चाहिए यू, बहुत अच्छा काम, बहुत धर्मादा के लिए है कि 100 रुपया कुछ भी नहीं आनी जानी जी, करवाना चाहिए, बहुत अच्छा, खूब आदर मिला है, आदर भाव सब चीज की सुविधा है यहाँ, और तेरे वर्गे बहुत अच्छे बेटे आए हुए हैं। हाँ जी मैम, आपका नाम? नमस्कार सर, इंदु शर्मा। तो आपको क्या प्रॉब्लम थी? सर मुझे था सर्वाइकल की कंधे में, उसमें थी, और मैं आई थी अपनी मदर को लेके, मेन तौर में अपनी मम्मी के लिए आई थी, तो उनके कंधे में मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन था, हाथ ऊपर भी नहीं हो पा रहा था उनका जी। तो वैसे ट्रीटमेंट हम ले चुके थे काफ़ी, यहाँ आने के बाद उनको इतना रिलैक्स है कि जो पेन था वो पेन ख़त्म हो चुका है, अब वो सो पाती हैं, पहले तो रात में सो भी नहीं पाती थी, हाथ हिलते नहीं थे उनके। ओके, तो उसके बाद आप भी अभी यहाँ पे कर रहे हैं? नहीं, मैं कर नहीं रही, मैं आती हूँ, मुझे कोई पेशेंट मिलता है, किसी को तकलीफ होती है, मेरे से कोई बताता है तो मैं यहाँ लेके आती हूँ। ओके ओके ओके, तो उसके अलावा जो आपने बताया कि उनको काफ़ी रिलैक्स है, उसके अलावा कोई और आपको लगा कि उनको शरीर में कुछ फ़ायदा हुआ है इस एक्सरसाइज से? नहीं, मेरे हस्बैंड को गैस प्रॉब्लम थी जी, तो उस यहाँ लेके आए, उसमें भी आराम हुआ उनको, इसे जो मशीन है इनकी इधर उस पर मसाज करने से हुआ, और एक कैंप लगाते हैं सर, तो कैंप में भी मैं आई हूँ, तो मैंने देखा, बल्कि अभी सर बिजी चल रहे थे, उल्टा मैं अपने एरिया में इनका कैंप लगवाना चाह रही थी कि लोगों को पता लगे और जो है जिनको तकलीफ है उनकी तकलीफ दूर हो सके। तो अभी हम मौजूद हैं इस सेंटर के, आप कहें इस क्लिनिक के संचालक के साथ, इनका नाम है दीपक सैनी। तो अब हम इनसे जानेंगे कि यहाँ पे इन्होंने ये कब शुरू किया और ये रोहतक की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? शुरू तो सर मैंने अभी 10-15 दिन हुए अभी शुरू किया है, और ये जो मसाज मशीन है सबसे पहले तो पेट के सभी रोगों को ठीक करती है, जैसे कि गैस हुई हो, एसिडिटी हो, पेट में दर्द हो, जैसे घुटनों का दर्द हो, जॉइंट पेन हो, इसका अपना एडी का दर्द हो, इन ये सभी रोगों को दूर करती है मसाज की मशीन। और अभी हम फिलहाल एक कैंप लगाने जा रहे हैं इधर सन सिटी सेक्टर 36A में जी, सिटी हॉस्पिटल में 18-20 तारीख को जी, टाइमिंग रहेगा उसका 3-6, और हमने यहाँ का मसाज का चार्ज रख रखा है 50 रुपीज़ 10 मिनट्स जी। तो आप अपना एक बार ये लोकेशन भी समझा दीजिए दर्शकों को। लोकेशन ये सैनी स्कूल रोड है, यूको बैंक के बिल्कुल सामने, वंदना कॉम्प्लेक्स ग्राउंड फ्लोर।